जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी कंपनी के बारे में। सुजलॉन में आज दूसरे दिन भी शानदार तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम समझेंगे इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, तेजी कुछ दिनों तक स्थायी बनी रह सकती है या नहीं, और इसके पीछे की अपडेट क्या है, जिस अपडेट की वजह से शेयर में लगातार दो दिनों से शानदार तेजी देखने को मिल रही है और आज इसमें अपर सर्किट भी लगा है। तो इसके बारे में इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में बात करेंगे और हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट करके समझते चलेंगे। देखिए, सुजलॉन एनर्जी कंपनी हम लोग जानते हैं कि ये पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और साथ में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है विंड टरबाइन और सोलर पैनल का। भारत में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल और विंड टरबाइन यही कंपनी बनाती है। अगर बात करें तो भारत में लगभग 9 कंपनियां हैं वर्तमान में इस सेक्टर से जुड़ी हुई, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे अग्रणी जो कंपनी है सुजलॉन एनर्जी कंपनी है। अगर मार्केट कैप लिहाज से देखेंगे तो सभी में यह इसका मार्केट कैप सबसे अधिक है, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी इसको कह सकते हैं। और 51% मार्केट शेयर लेकर अकेले यह सुजलॉन एनर्जी कंपनी बैठा हुआ है। सोचिए, लगभग 10 कंपनियां हैं इस रेस में, लेकिन उसमें 51% शेयर अकेले का सिर्फ इस कंपनी का है। वहीं अगर शेयर प्राइस की बात करें तो वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब इस कंपनी का शेयर प्राइस है 7.80 रुपये। जब कल बाजार बंद हुआ था तब इस कंपनी का शेयर प्राइस 7.45 रुपये पर जाकर बंद हुआ था, लेकिन जब आज बाजार ओपन हुआ तब इस कंपनी का शेयर प्राइस 7.65 रुपये से शुरू हुआ और दिन भर में इसने 7.90 रुपये का हाई भी लगाया तथा अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब इस कंपनी का शेयर प्राइस 7.80 रुपये। और जैसे मैंने कहा कि लगभग 5% की तेजी के साथ यह स्टॉक आज भाग रहा है, तो हो सकता है जब बाजार बंद हो तब तक इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़कर 8 रुपये के लेवल को भी पार कर जाए, जो कि जब 7.90 रुपये तक पहुँच गया तो 8 रुपये के लेवल को भी पार कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यह दो रेजिस्टेंस जो इसका था 7 रुपये और 7.34 रुपये का, उसको ब्रेक कर दिया है। तो अब अगला जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 8 रुपये का है, तो इसको इजिली पार कर सकता है। और यदि 8 रुपये के रेजिस्टेंस को पार करके सस्टेन रह जाता है तब इसका जो बाउंड वीक का हाई है 12 रुपये के आसपास, वहाँ तक पहुँचने में इस स्टॉक को देरी नहीं लगेगी। हालांकि इस बात के कयास काफ़ी दिनों से लगाए जा रहे थे, इसके बहुत सारे रीज़न भी हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी आने वाली है और तेज़ी आने वाली थी तभी इसमें बाइंग प्रेशर पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं वो अपडेट कौन सी है जिस अपडेट की वजह से शेयर प्राइस में इतनी उछाल हाल फिलहाल में देखने को मिली है। देखिए, अपडेट कुछ नया नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि पावर मिनिस्टर जो हैं आर के सिन्हा हैं, ये इस मिनिस्ट्री के मुखिया हैं। इन्होंने कल एक बयान दिया था कि 2030 तक भारत में 65% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू प्राप्त होगी। तो देखिए, ये कोई नया बात इन्होंने नहीं कहा है, प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही कहा है कि 2030 तक भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आगे लाना है। और इसके अलावा इन्होंने आर के सिन्हा ने यह भी कहा कि सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 90 गीगावाट तक बढ़ाकर करना है, जो कि वर्तमान अभी 20 गीगावाट है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी जो थर्मो पावर प्लांट या हाइड्रोकार्बन से बिजली बनाई जाती है उसको मतलब हमेशा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा तो कोयले से जो बिजली बनाई जाती है खत्म हो जाएगी। पानी हो सकता है कि आने वाले समय में खत्म हो जाए तो पानी से भी बिजली नहीं बनेगी। तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो हमेशा उपलब्ध रहे, या नहीं भी उपलब्ध रहे तो उसी का बार बार प्रयोग करके बिजली प्राप्त किया जा सके। तो उसके लिए आया रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें विंड टरबाइन और सोलर पैनल होता है, तो उसी की कैपेसिटी बढ़ाकर 90 गीगावाट तक की जानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली भारत को प्राप्त हो सके। और 2050 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो 65% की अभी बात हो रही है 30 तक, उसको बढ़ाकर 80 से 85% किया जाए। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा लक्ष्य है सरकार का और इस पर सरकार और हमारे देश की जो कंपनियाँ काम भी कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यदि हम बात करें कि क्या सिर्फ इसी अपडेट की वजह से शेयर में इतना उछाल देखने को मिल रहा है, तो इसका जवाब है नहीं। इसके कुछ अदर फैक्टर्स भी है, वो एक एक करके समझते हैं। हम जानते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, कंपनी अपने कर्जे को लगातार कम करती हुई दिख रही है, पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट भी शानदार हुआ था, इसलिए इस बार का जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है वो उम्मीद किया जा रहा है कि पिछले क्वार्टर मुकाबले अच्छा आएगा। इसके अलावा देखें तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी यानी कि अपने ही शेयर्स जो है बाई कर रहे हैं राइट इशू के जरिए। अभी कुछ दिन पहले से कंपनी का राइट इशू आया था, मुझे उम्मीद है कि आप जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो इसके राइट इशू में जरूर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। राइट इशू के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है, इसलिए इस कंपनी के शेयर्स को बेचना सही नहीं है। और FII यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भी इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कंपनी आगे है
तभी देखेंगे इनकी हिस्सेदारी 6.29 से बढ़कर 6.76% हो गई है और आने वाले समय में ये भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ओवरऑल बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी भारत के फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बेशक घबराने घबराने कोई बात नहीं है, धीरज से इसमें बने रहिए, तसल्ली रखिए, कंपनी मोटा पैसा आपको कमा कर देगी। और यदि आपके पास इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमैट अकाउंट एंजलों के साथ ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो से रिलेटेड मन में कोई भी सवाल कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।